जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बनाने में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के PYQ क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के, जिसको हम लोग आज करने वाले बेसिक के क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड के भी पेपर बनाने वाला। इस पेपर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जिस तरह के पेपर में ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी डी एंड ई पे सेक्शन आते हैं, इसी तरह के हर सेक्शन के हमारे पास सारे के सारे अलग अलग वीडियो बनकर तैयार होंगे। कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन है वो समझाने का तरीका अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिसको PYQ की जरूरत होगी। और आगे देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा मैं बढ़िया तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये कि जो द द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288, 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, 288 को आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो 288 को फैक्टराइज 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 पे 2 से करेंगे 144, फिर 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 80, फिर अगेन 2 से 9, अगेन 3 से 3, फिर अगेन 3 से 1 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझनी थी कि भाई 2 देखे कितनी बार, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आ गई, मीन्स 2 की पावर 5 आ गई एंड 3 की पावर 2 आ चुका है। तो 2532 आ रहा है, 2532 देखिए थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 cos θ इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या रहने वाला। बहुत ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया कि भाई 2 cos θ की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ से cos θ की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, इसको ला दिया। तो अभी तो आपको देखना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू cos की टेबल में थीटा की वैल्यू 1/2 कौन सा एंगल आकर देता है। तो इसके लिए आपको याद रहना चाहिए टेबल, इसका याद रहना चाहिए। तो ये जो ला के देता है, ये देता है आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री cos 60 डिग्री, मतलब इसको लिखने वाले होंगे ऐसे, लेकिन cos 60 डिग्री, cos से cos कट कर देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, मतलब सेकंड का आंसर होगा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। भाई बोला कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन चुका है, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि अगर एक 52 कार्ड्स में से हम लोग सिर्फ रेड कार्ड को बाहर निकालने की कोशिश की है तो कितने का प्रोबेबिलिटी उसका बना होगा। देखिए हमें इसके लिए 50 कार्ड्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि कार्ड्स कितने, कौन से कार्ड्स कितने होते हैं। तो रेड कार्ड के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। रेड कार्ड हमारे पास पता है 26 कार्ड्स होते हैं और टोटल का 52 होता है, इसको छोटा कर देते हैं, 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, मीन्स इसका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ओके, तो इसको डी का फॉर्मूला हम जानते हैं, उससे पहले हम एक चीज लिखने वाले हैं, इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन में से हम लोग ए बी एंड सी की 3 वैल्यू निकाल के रखेंगे। ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए की वैल्यू बनेगी 2, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू बनेगी -3। डिस्क्रिमिनेंट जानना चाहता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का वैल्यू, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, मीन्स -5 का स्क्वायर -4 × 2 × -3। तो -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 × 2 = 8, 8 × 24, और 24 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो चुका है, मीन्स 49 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 49 आ चुकी है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, मैं पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर बन जाएगा, ये 4th का आंसर होगा। पर डिस्टेंस के लिए हमें पता होता है कि 3, 0 इधर है पॉइंट एंड अलग दूसरा जो पॉइंट अपने पास 0, -3 है। तो इसके लिए फॉर्मूला पास ये होता है ना, ये जैसे x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 है, ये y2 है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको ए बी, ए बी इज इक्वल टू वेल फॉर्म देते हैं x2 - x1² + y2 - y1² और ये ऑल ओवर में रूट आ जाएगा, x2 - x1 = 0 - 3 हो जाएगा, प्लस y2 - y1² मीन्स -3 - 0² हो जाएगा, रूट लगा देते हैं, ये बन गया -3 का होल स्क्वायर, ये बन गया -3 का, ये भी होल स्क्वायर बन के तैयार हो गया, ये बन गया है 9 + 9 मीन्स √18 आ चुका है, और √18 को मैं लिखने वाला हूँ 3√2।
टू से, ठीक है, ये हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। अच्छा, किसी को रूट 18 से 3/2 कैसे हमने लिखा है, देखिए इसको बताता हूँ। रूट 18 को एलसीएम कर देते हैं, तो अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये जाएगा 6 पर, फिर 3 से करेंगे 2 पर, फिर 2 से करेंगे 1 पे। मैंने देखा पेयर किसका बन गया, पेयर बन रहा है 3 का, जो जिसका पेयर बन रहा है तो बाहर दिया जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको ब्रैक रूट के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर रूट 18 का 3/2 यूनिट्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स पार्ट है, सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है सेवन टर्म ऑफ एपी। ओके, सेवन टर्म बोलना चाह रहा है, मीन्स ए सेवन मुझको गिवन है, ए सेवन हमें गिवन है, कितना है, सेवन टर्म निकालना है। ओके, ये सेवन टर्म हमें निकालना है, वो फर्स्ट टर्म इज 28, मीन्स ए की वैल्यू है अपने पास 28, एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, मीन्स डी की वैल्यू है -4। तो ए सेवन का वैल्यू पे पता करना, ए सेवन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए सेवन निकाल के देगा ए प्लस 6D, तो 28 प्लस 6 इंटू -4 हो जाएगा, मीन्स 28, 6 4 जा 24, -24 हो जाएगा ये आंसर, एंड वैल्यू हो जाएगी 4 इसकी, मीन्स हमारे पास सेवन्थ का सिक्स का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन बोला है द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलीमर पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स आर। ओके, इसका हमें पी एक्स की नंबर ऑफ जीरोस की बात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पॉलीमर वाई इज इक्वल टू पी एक्स हमें गिवन है, तो पॉलीमर एक्स के साथ है ना, इसलिए हमारे पास ये देखना है कि एक्स पर ये कितनी कट, एक्स एक्सिस पर ये कितनी बार इसको कट कर रहा है। देखिए एक्सिस ये रहा लाइन, और ये ग्राफ एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे देता ही एक्स इज इक्वल टू पी वाई पूछता तब इसका आंसर, क्योंकि ये एक बार कट करे इसलिए इसका आंसर मैं 1 लिख देता, बट ये क्या पूछना चाहिए, वाई टू एक्स पूछा, इसका आंसर हमारे पास 0 बनकर तैयार होगा। आई होप उम्मीद है समझ में आया होगा। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन उसी पर ही बनेगा, उसी की वजह से ही बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है द साइड ऑफ टू ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल एंड द रेशियो 4:3। ओके भाई, दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल का, वैसे मान लीजिए नाम लिखते हम लोग इसका, ये नाम ले लिया हमने ए बी सी लेते हैं, इसको नाम लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, ये हमने लिया, और इसके साइड्स जो हैं उसके साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, जैसे 4 है और ये 7 दे रखा है हमारे, ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग, मीन्स हमें पास ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू जो गिवन है 4:7 हमें गिवन। हमें फाइंड आउट करना है इसके पैरीमीटर का, मीन्स पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला ना, इसीलिए ऐसे सब क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे ताकि ये सब, क्योंकि है ना क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं, पेपर में आ जाते हैं, तो ये सब हमें दिक्कत में रख देते हैं, इसलिए हमें बनाने पड़ते हैं, बनाने चाहिए पी वाई क्यू क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसका फॉर्मूला होता है कि ए बी अपॉन पी क्यू, या फिर ए सी अपॉन पी आर, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर। आप फिगर के हिसाब से समझ लीजिए कैसे कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू 4:7 दे रखे, मतलब इसका आंसर 4:7 ही आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये हुआ कि भाई किसी सिमिलर ट्राइंगल का जो साइड्स का रेशियो होता है ना, वही उसके पैरीमीटर का रेशियो भी होना चाहिए। ये बात सिंपल सी कहने की बात ये, ठीक है, ये मेरे पास हो गया एट्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, सेम चैप्टर क्वेश्चन के द्वारा आ गया। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सीडी के साथ, ए बी की वैल्यू गिवन है, ये सब वैल्यूज गिवन है अपने पास सारे के सारे, हमें निकालें लेंथ ऑफ ओ सी, ओ सी हमारे पास ए रहा। ओके समझ में आ गया, देख क्वेश्चन कैसे होने वाला है, हमें ए बी और सी डी पैरल गिवन है, हमने ना इसमें आप लगाएंगे सिमिलर ट्राइंगल लगाने वाले प्रॉपर्टी हम लोग पहले, लेकिन हमें पहले से सिमिलरिटी इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे इन ट्राइंगल ओ ए बी हम लेते हैं एंड ट्राइंगल ओ सी डी लेते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं कि क्योंकि लाइन पैरल है ए बी और सी डी, तो भाई अल्टरनेट इंटर एंगल बनाएगा ये दोनों, 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना, ये अल्टरनेट इंटर एंगल बना के तैयार करेगा। सेम एज ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है दोनों जन,
तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हो जाएंगे। और जब दो एंगल बराबर हो जाते ट्राइंगल के, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सॉरी, सिमिलर का साइन ऐसे होता है ट्राइंगल ओ सी डी के साथ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे इसका बनेगा। मैं अब इसको ये ले सकता हूँ कि ओ ए अपॉन ओ ए, सॉरी नहीं, ओ ए तो मुझे चाहिए नहीं, सॉरी सॉरी, ओ बी अपॉन ओ सी की वैल्यू, ओ बी अपॉन ओ सी की वैल्यू हो जाएगी बी ए अपॉन डी सी के, और ये लिखेंगे आप सी पी सी। ठीक है, ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ओ बी हमें गिवन है 3 का, ओ सी हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए इसको। बी ए की वैल्यू 5 गिवन है, डी सी की वैल्यू 2 गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हमारे पास बनकर तैयार हो गया। तो ये बन जाएगा, क्रॉस कर देते हैं, तो 6 इज इक्वल टू 5 ओ सी, तो ओ सी की वैल्यू 6.5 आ रहा है, मीन 6.5 सेंटीमीटर। इसका थर्ड ऑप्शन बनकर तैयार हो गया। ये क्वेश्चन बढ़िया था तो इसे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। 10th क्वेश्चन हमें बनाना है। बोला गया है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल दिस आर, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इक्वेशन गिवन है, इनका सम ऑफ जीरोज क्या रहा होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या रहा होगा, हमें ये पता करना है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है क्या चीज। ए की वैल्यू बोलेंगे 1 है, बी की वैल्यू बोलेंगे 5 है, सी की वैल्यू बोलेंगे 6 है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, मीन्स माइनस 5/1, मीन्स माइनस 5 आ चुका है। और क्योंकि इसमें पूरे ऑप्शन में से माइनस 5 एक ही में ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, मीन्स 6/1, जिसको मैं 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। 11th क्वेश्चन है कि डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है जिसको एक बार फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है लेस देन 7। ओके, जब डाइस फेंका जाता है ना, जब एक डाइस फेंकी जाती है, तो उसमें से पहले पहले ये पता करें कि क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो मैं कहूं कि टोटल आउटकम आएंगे कितने भाई, टोटल आउटकम के नाम पर हमारे पास बनेगा डाइस के अंदर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इसने पूछा लेस देन 7, भाई लेस देन 7 तो सारे नंबर है, मीन्स जब भी फेंका जाएगा वो नंबर लेस देन 7 ही हमें ला के देने वाला है, मतलब कि 6 नंबर आ सकते हैं आउट ऑफ 6। यही इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बन जाएगी, मतलब आंसर हो गया 1। तो इस 11th का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखिए। द एंगल सबटेंडेड बाय द वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है, हमें एंगल बताना है कि वर्टिकल पोल एंगल कितना बनाया था जब हाइट इसकी 100 मीटर गिवन थी एंड ग्राउंड पे 100 100√3 का ये बनाना चाह रहा था, बेस के पास, बेस के साथ इसकी लेंथ, शेडो की जो लेंथ है, ठीक है, ये हमारा बनाना चाह रहा था। तो बोलना चाह रहा था एंगल सबटेंडेड बाय द वर्टिकल पोल फ्रॉम द बेस, तो फ्रॉम द बेस बोला गया है, ये वाला वैल्यू हम लेते हैं, थीटा इसका पकड़ लेते हैं, तो हमें ये बताना है इसका एंगल। ठीक है, वर्टिकल पोल की वैल्यू बेस से क्या बनेगी। तो देखिए हमारे पास, अब देखिए जो वैल्यू बन के आएगी 100 वाली वैल्यू, थीटा के हिसाब से ये पी बनेगी और ये वाला वैल्यू बी बन के तैयार होगा। पी और बी 10 थीटा में लगता है, 10 थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी होती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमको पता करना है, ऑब्वियसली बात है 10 थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। पी अपॉन बी की वैल्यू हम कहें तो 100/100√3 तैयार हुआ, 100 से कट तो 1/√3 हो गया, और 10 के टेन में 1/√3 कब आता है, 10 30 पर आता है, 10 से 10 खत्म, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बन के तैयार हो गई। ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट इज 3 आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, मीन्स 1/3 पाई r² तो r ही रहेगा, r² आ ही रहेगा, और क्योंकि इसकी हाइट 3 आर है,
इसलिए एच की जगह पर थ्री आर रख दिया जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, यही तुम्हारा आपका आंसर है। थ्री से थ्री खत्म कर देते हैं तो पाई आर क्यूब इसका आंसर बनकर तैयार होगा। 10th 13 का डी ऑप्शन सही आंसर। 14 क्वेश्चन देख सकते हैं जरा। 14 क्वेश्चन में दे रखा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7। ओके, ये भी लॉजिक का क्वेश्चन कि भाई सर्कल ये है, ये दो टेंजेंट हमने बनाने हैं, पहला टेंजेंट बनाते हैं ऑब्वियस बात है कुछ ऐसे टेंजेंट जाना चाहिए। तो अगर टेंजेंट की मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस बतानी है, अगर इनके डायमीटर की वैल्यू 7 हमें गिवन है तो यही तो डिस्टेंस है, 7 ही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो लॉजिक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 में बोल रखा है भाई ये वैल्यूज गिवन है इन द अबव फिगर, द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी बाय ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इज, दोनों में कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। देखिए मुझे समझ में आ रहा है भाई, एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल तो मिल गया एक है ना। साइड की बात करूं तो साइड को देख लेते हैं जरा, अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकालता हूं तो 2.2 अपॉन 4.4 है, काटेंगे तो 1/2 आंसर लाके देगा। इसी तरह अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 3.5/7 की वैल्यू है, ये इसको भी कट करें तो ये भी 1/2 ला के देगा आंसर। मतलब ये हुआ कि ये पास दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर है, मीन्स एस ए एस प्रॉपर्टी, ये हो गया एस ए एस प्रॉपर्टी हो गया, साइड एंगल साइड, मतलब 15 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देख बनाते हैं कैसे बनने वाला है। द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, पहली बात है सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। सप्लीमेंट्री एंगल होता है भाई जब ना दो एंगल का प्लस जो होता है, किन्हीं भी दो एंगल का प्लस को ए प्लस बी मान लीजिए, दोनों की वैल्यू का प्लस हमेशा 180 डिग्री मिल जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल ही कहलाता है। ठीक है, तो बोला लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखिए लार्जर एंगल के बारे में बोला गया है कि अभी बोल तो अभी बोला जा रहा है कि जो बड़ी वाली जो वैल्यू है एंगल ए, जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी वाली वैल्यू जो कि एंगल बी है उससे एक्सीड कर रहा है 18, मतलब कि यहाँ पे प्लस 18 है, एक्सीड कर रहा है बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस एंगल ए की वैल्यू को फर्स्ट वाले इसमें ला के रख देते हैं, तो ए की जगह लिखूंगा एंगल बी प्लस 18, ये सिर्फ हमने ए की जगह रखा है, प्लस बी इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2 एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, हो जाएगी पास 162 आ गई, मीन्स एंगल बी की वैल्यू आ गई 81। अगर एंगल बी की वैल्यू 81 आ चुकी है तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा 99 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, इस फिगर के पैरामीटर का हमें निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम नंबर 10.2, जिसमें हमें ये पढ़ना होता है कि भाई किसी भी सर्कल पर जब टेंजेंट ड्रॉ होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट की ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों के टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होगी, यही चीज़ हमें समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर ये चीज़ 6 है तो ये भी 6 का हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 का हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 का बन जाएगा। बस सिंपल सी पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर निकाल दीजिए तो पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा कि 5 + 4 + 4 + 6 + 6 + 5, इसको सॉल्व कर दे आंसर खत्म हो गया, तो ये हो गया 10 और 10 20 और 30, 30 सेंटीमीटर्स का आंसर बनकर तैयार हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन इन द गिवन फिगर बी सी एंड बी डी आर टेंजेंट है, ओके क्लियर है, हमें निकालना बिट सेंटर ओ एंड रेडियस वैल्यू 9 गिवन है, ओ बी वैल्यू 15 गिवन है, लेंथ ऑफ बी सी प्लस बी डी, बी सी ये रहा एंड बी डी ये रहा। ओके देखिए पहली बात तो ये है कि बी सी और बी डी लेंथ अलग अलग नहीं आएगी, यही वाला थ्योरम दोबारा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जब हम लोग किसी सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर आएगी,
मतलब हमें किसी भी एक तरफ की लेंथ निकाल दीजिए, इसको डबल मार दीजिए, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। वही लेंथ मेरी बीडी की भी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, अगर मैं ओबीसी ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ तो थ्योरम नंबर 10.1 से हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री बनाता है। तो अगर ये 90 डिग्री बनाता है तो इसका पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, तो ओ बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू मेरे पास 15 स्क्वायर दे रख दी, ओ सी की वैल्यू 9 है प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। तो 225 माइनस 81 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो चुका है। सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर, 5 में से 1 गया तो 4, एंड ये बन गया 14 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। मीन्स बी सी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर की। अगर बी सी 12 की है तो बी डी भी 12 की आएगी, ठीक है। और मुझे निकालना है बी सी प्लस बी डी, मीन्स 12 प्लस 12 कितने का हो गया, 24 सेंटीमीटर का हो गया हमारे पास, ये थर्ड ऑप्शन इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इसका 19th क्वेश्चन, एसेशन रीजन के क्वेश्चन। द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये मेरा थ्योरम ही बताना चाहता है, थ्योरम नंबर 10.1 है। मीन्स ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला कहना चाहता है क्योंकि अब द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये थ्योरम नंबर 10.2 है, ये थ्योरम नंबर 10.2 है। इस वजह से ये थ्योरम नंबर 10.1 है या थ्योरम नंबर 10.2 है, लेकिन दोनों जने सही हैं, तो दोनों जने सही तो हैं, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो एसेशन को क्लियर क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन के लिए आंसर इसका बी ऑप्शन जाएगा, मीन्स दोनों सही बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसेशन, ठीक है। ये हमारे पास बनने वाला है। सेकेंड 20 क्वेश्चन अपने पास, द सिस्टम ऑफ यानी इक्वेशन दिस एंड दिस आर इनकंसिस्टेंट, ओके। ये हमें चेक करना पड़ेगा इसको, तो इनकंसिस्टेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिवाइड मना करना शुरू करते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 3 अपॉन 15, मीन्स 1 अपॉन 5। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ सकती है 5 अपॉन 25, मीन्स 1 अपॉन 5। एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ सकती है -4 अपॉन -25, माइनस से माइनस कट, मीन्स 4 अपॉन 25। मीन्स यहाँ पे हमारे पास बन के आया है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। मीन्स ये एक पैरेलल लाइन को शो करना चाह रहा है, पैरेलल लाइन शो कर रहा है, मीन्स ये इनकंसिस्टेंट तो है, ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब एसेशन सही तो है मेरे पास, ठीक है। रीजन चेक कर लेते हैं कि रीजन के अंदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 इज ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला जो है इनकंसिस्टेंट का ही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही, दोनों जन यहाँ पे बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ठीक है। तो हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया आज के लिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपने शायद नए भी देखे होंगे, और जो आप नया नया क्वेश्चन यहाँ पे देखा है उसमें कुछ सीखने का आपको मिला भी होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ जिसको PYQ की जरूरत पड़े। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और लाते रहेंगे, ऐसे वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसी का सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं, मतलब कि इसके बी पार्ट का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो देखेंगे हम लोग। इसलिए इतना ही, थैंक यू।